एक्टिक काउंसलिंग एक्लेटिक काउंसलिंग इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ गाइडेंस इन काउंसलिंग इट टेक्स इन टू फोल्ड बोथ डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल काउंसलिंग जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि जब हम नॉन डायरेक्शनल काउंसलिंग की बात करते हैं तो हो सकता है कि स्कूल्स जो है दे मे नॉट बाय दिस आइडिया क्योंकि नॉन डायरेक्शनल काउंसलिंग जो है इट गिवस अलॉट ऑफ ऑटोनोमी टू स्टूडेंट जो कि हमारे एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाए तो वहां पर फिर एक्लेक्टिक काउंसलिंग काम आ सकती है एक्लेक्टिक काउंसलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल काउंसलिंग इसमें जो बात बहुत अहम है वो ये है कि जो काउंसलर है उसका रोल इंतहाई फ्लेक्सिबल होता है काउंसलर जो है वो ना ही बहुत ज्यादा कमांडिंग पोजिशन में होता है और ना ही बहुत ज्यादा सबमिसिव पोजिशन में होता है जो काउंसलर है वो एक मिडिल पाथ जो है उसको लेकर चलता है जहां पर जरूरत होती है कमांड करने की वहां पर कमांड किया जाता है और जहां पर जरूरत होती है जरा पीछे हटकर बात करने की और स्टूडेंट को आगे लाने की वहां यह अमल दोहराया जाता है तो इस टाइप की काउंसलिंग में जो काउंसलर है उसका रोल बहुत वेरी करता है अगेन ये केस टू केस डिपेंड करता है कि असल मस्ता या सिचुएशन क्या है हो सकता है कि सिचुएशन की नौयत ऐसी हो जहां पर डायरेक्टिव काउंसलिंग की जरूरत हो या कहीं पर मसले की नौयत ऐसी है जहां पर स्टूडेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आना है स्टूडेंट को ऑटोनमस बनाने के लिए जरूरी है कि उस पर जिम्मेदारी डाली जाए तो वहां पर फिर नॉन डायरेक्शनल काउंसलिंग का इस्तेमाल होता है सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन दी काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर दी काउंसलर कम्स इन अगेन यहां पर काउंसलर टीचर भी हो सकता है और काउंसलर एक स्पेशलाइज्ड हेल्प भी हो सकती है इसीलिए इसको एक बड़ा बैलेंस्ड मेथड कहा गया है बैलेंस्ड मेथड इसको इसलिए कहा गया है कि एज एंड वेन रिक्वायर्ड यू कैन चेंज योर रोल फ्रॉम बीइंग डायरेक्शनल टू बीइंग नॉन डायरेक्शनल अगेन वट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज इज द्रेविटी ऑफ द सिचुएशन आम तौर पर काउंसलर जो है उसको इतना नॉलेजेबल और इतना तजर्बाकार होना चाहिए कि वो ये जांच ले कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी सूरत हाल में किस टाइप ऑफ काउंसलिंग को उसने बरुएकार लाना है क्योंकि आम तौर पर अगर स्टूडेंट जो है वो इंतहाई वीक है इन मेकिंग डिसीजंस तो वहां पर हो सकता है कि डायरेक्शनल काउंसलिंग तो हेल्प करे मगर इसके साथ साथ हमें स्टूडेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो लेकर आना है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो बूस्ट करना है तो वहां पर थोड़ी बहुत नॉन डायरेक्शनल काउंसलिंग जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है इसमें एक जुडिशियस जो जजमेंट है काउंसलर की वो बहुत अहमियत जो है उसको देनी चाहिए और सिचुएशन को एज पर नीड जो है वो लेना चाहिए इसमें सर्टन स्टेप्स होते हैं उंसलिंग वी हैव टू फॉलो सर्टन स्टेप्स उसमें सबसे पहले तो रेपो बिल्डिंग है वी हैव टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विदूडेंट्स स्टूडेंट्स हैव टू है ये बहुत जरूरी है इसके अलावा प्रॉब्लम का डायग्नोसिस बहुत जरूरी है आपने मसले की तशखीस करनी है कि असल मसला क्या है और उसके मुताबिक फिर आप डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल काउंसलिंग जो है उनमें से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे या दोनों का मिलकर मिलजुल कर इस्तेमाल करेंगे इसके अलावा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है आपने इसमें एक इम पार्शल आपका बेहद ज़रूरी है ताकि मसले का सही हल जो है वो तलाश कर लिया जाए इसके साथ साथ टेंटेटिव प्लानिंग आपने करनी है कि आपने एनालिसिस करके ये जाना कि यहां पर बोथ मेथड्स डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल जो है वो कारामत साबित होंगे तो फिर आपने उसकी प्लानिंग कैसे की कहाँ पर डायरेक्शनल आपकी अप्रोच होगी और कहाँ पर आपकी अप्रोच जो है वो नॉन डायरेक्शनल होगी उसके बाद काउंसलिंग का अमल शुरू होगा और काउंसलिंग का अमल जो है वो आखिरी स्टेप नहीं है फॉलोअप बेहद जरूरी है कि आपने जब एक स्टूडेंट के साथ काम किया तो फिर उसका एक रेगुलर फॉलो अप करना बहुत जरूरी है आपने नॉन डायरेक्शनल काउंसलिंग को सामने लाते हुए उसको बरुए कार लाते हुए एक स्टूडेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बूस्ट कर दिया मगर क्या आपने उसका फॉलो अप किया हो सकता है आगे चल के वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए तो यू हैव टू प्रोवाइड अ कॉन्टिन्यूस सपोर्ट सिस्टम टू द स्टूडेंट थ्रू फॉलो अप एक्टिविटीज सो दैट स्टूडेंट्स वेन दे गेन कॉन्फिडेंस when they gain self confidence they also maintain it that is something important so these steps need to be followed so that eclectic counseling it comes into action in a very healthy manner and then students and counselors they not only enjoy good relationship but they enjoy long lasting relationship